बुलंदशहर के अनूप शहर में घर में सोती माँ बेटी पर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर मोहल्ले वालों को आता देख सभी बदमाश भाग गए। गंभीर रूप से घायल महिला को इस वक्त हायर सेंटर रेफर किया गया है। रात करीब 1 बजे की है ये पूरी घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अनूप शहर कस्बे के मोहल्ले खिड़की की घटना है ये। क्या कहना है मीनाक्षी पीड़िता का, सुनिए। सर चाकू मारे थे, मम्मा के साथ हाथापाई हो रही थी तो उन्होंने मम्मा पे वार किया। उसके बाद मम्मा ने हमें आवाज दी तो हम बाहर आए थे। उसके बाद हमसे हाथापाई होने लगी। क्या लोग थे वो? 3 लोग थे सर। डाटा मारे हुए थे या खुले हुए थे? मंकी कैप लगाया हुआ था, पूरा कवर किया हुआ था अपने आप को। हमने मास्क हटाने की कोशिश की लेकिन मास्क हटाने की कोशिश में हमें भी चोट आई है। और उसके बाद उन्होंने हमारा गला दबाया, उनसे हमारी हाथापाई हुई। जैसे तैसे जान बचा के हमने गेट खोला, बाहर वालों को आवाज दी, तब सब लोग आए थे। और यहाँ पे मेरे चाकू भी मारा गया है, यहाँ पे मेरे बहुत चोट आई है। ज्यादा रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर